হ্যাঁ দেখ, আর ওসে সিম লাগুল, হ্যাঁ মানে কৃষ্ণ পারেস্ট, আর ওসু সে তাস ভারতে কৃষ্ণ পারেস্ট, আই আর ওস বাবা যা দ্রপি আমি সারে পাই আর ওর সব রবা মা খবর আগে গিরে গিজিম এ হুই বুঝে ইয়োপলি গেস নক সব রবা মা খবর ये मैं आपको रूम का नज़ारा दिखाता हूँ। ये वो रूम है हमारा जिसमें हम स्टे करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लीन और वेरी वेल मेंटेन्ड आप देखेंगे। और यहाँ से बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको बैकड्रॉप जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। ये सोरा में है और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की क्लीननेस। और ये हमारे सर हैं जो हमको रूम दिखा रहे हैं और ये जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कितना क्लीन है। ओके सो द क्रेसेंट होटल इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। अब हम आ गए हैं वकाबा वाटरफॉल्स। पर हेड एंट्री 20 रुपीज़ है, पार्किंग चार्जेस 10 रुपीज़, तो हमारा टोटल हो गया 50 रुपीज़। और हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ वाटरफॉल से तो शायद हो सकता है पानी के पास थोड़ा जाने का मौका मिलेगा। अमेजिंग व्यू ये देखिएगा। तो वकाबा वाटरफॉल ज़रूर आइए, आपके रास्ते में ही पड़ता है जब आप सोरा या चेरापुंजी की तरफ जाते हैं। तो सोरा और चेरापुंजी एक ही नाम है, लोकल में इसे सोरा कहते हैं और वैसे इसको चेरापुंजी कहते हैं। यही है वकाबा फॉल्स और पानी बहुत ही ठंडा है। ठीक है, इट्स अमेजिंग, देखो पानी कितना साफ है। ठीक है रे, ठीक है रे, वाह पानी एकदम साफ है, वाह पानी एकदम क्लीन है। हाँ एकदम मीठा पानी, मस्त पीने लायक मीठा पानी संगीता बता रही है। और ये कुछ लोग हैं जो साथ ही साथ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है। इस पानी में फिटकरी वाली फीलिंग आ रही है। तो राह चलते चलते हमको ये पानी का तालाब दिख गया और कुछ लोग नहा रहे थे, तो हमारी भी इच्छा हो गई कि यार चलो डुबकी मार लेते हैं। ये भेड़ बकरी बकरियाँ हैं, सिर्फ छोटे छोटे बकरियाँ हैं। आए देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ और इनके साथ खेलने की इच्छा है तो खेल भी सकते हैं अगर ये भागे नहीं तो। चुनटुकले पिंटुकले बंदे हैं। ठहरा हुआ पानी है। अरे भागी हो पोटली, ये देखो पकड़ में आ गई। पकड़ में आ गई पोचका पोटली, पकड़ में आ गई ये। क्या आ रहा है कि कुछ कुछ दिख तो नहीं रहा। चलो क्या पोटली, क्या पोटली, नहीं टाइम 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 हो गया। लोग नहाना दो ना। किधर गई, किधर गई पोटली, पकड़ गई ना पापा। वो देखो लड़ रहे दोनों। सो वापस हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है और इस ब्रेक में हम एक गांव के पास रुके हैं जहां पर हमको ये पहाड़ी आलू देखने को मिले हैं। संगीता ज़रा बताओ ये आलू कैसे हैं। ये छोटे छोटे आलू हैं और इसकी यहां पे ये खेती होती है और हमको थोड़ा अच्छा लगा ये व्यू। हमने कहा चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और इस नज़ारे को इन्जॉय करते हैं। ये वाह, ये देखो खेती ऐसे होती है, ये छोटे छोटे आलू इधर लगा रहे हैं। ये देखो अच्छा, ओ ये इधर अभी लगाएंगे उन्हें सुनतू बफो। हाँ अच्छा, बाद में उगेगा ये। हाँ, हाँ बड़ा होएगा है ना।
वो हो गया। ये क्या है? ये आलू है, देखो ना। आलू ये आलू। अच्छा ये क्या? प्याज नहीं, कांदा नहीं है। कचरा होगा शायद, कचरा होगा। अच्छा अच्छा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। अच्छा ओके। ये देखो बीच बीच में लगा रहे हैं ना, आलू के बीच में। चलो हमको थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है, समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। ये आलू की खेती है, इधर आलू दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो। ये आलू है ना, छोटे आलू है अभी। वो देखो उधर सफेद। बड़ा बोल रही है, मारने का बेचारा कहा। इधर का आलू खुद गया है। ये बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत ही सुंदर घर। नहीं तोड़ो, नहीं 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 नहीं, ये काटे वो। ओह वो देखो गाय है, आराम से बैठी है। ले लो, ये है 20 रुपीस। लाइटिंग चमक रही है ना रात में, ये सब खाओ वाली दिखाओ इधर। कितना? 30 रुपए का, 30 रुपए का सा। नहीं